अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम हाज़िर हुए हैं पीएसटी जीएसटी की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें जो है ना क्लास 7 मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है फाइनेंस अर्थमेटिक। ठीक है, तो ये चैप्टर आज हम कवर करेंगे। इस चैप्टर में ये कह रहा है कि इस चैप्टर में जो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है परसेंटेज से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि हम जो है ना बास जगहों पे परसेंटेज के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि हम कहीं पे अगर शॉपिंग करने जाते हैं तो वहाँ पे हमें 20% डिस्काउंट दिया जाता है, 50% डिस्काउंट दिया जाता है। तो असल में ये परसेंटेज होता क्या है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए परसेंटेज का मतलब ये होता है कि जितनी वैल्यू यानी कि पर उसका जितना वो है और सेंट यानी कि टोटल 100। ठीक है, तो देखें परसेंटेज जो हम निकालते हैं किसी भी चीज़ का, जैसे अगर मैं कहता हूँ कि भाई मेरे पास जो है ना एक किताब है, उसका मुझे जो है ना 5% निकालना है। ठीक है, यानी कि 100 में से पांचवा हिस्सा मुझे निकालना है। ठीक है, 100 में से पांचवा हिस्सा मुझे निकालना है, तो वो उसका क्या हो जाता है, वो उसका परसेंटेज हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम कहीं पे कपड़े लेने चले जाते हैं तो वहाँ पे हमें 20% डिस्काउंट होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उस कपड़े का 20% डिस्काउंट निकालते हैं कि भाई इसकी जो जितनी वैल्यू है उस यानी कि अगर 20% दिया हुआ है तो 20 को हम डिवाइड करते हैं 100 से और मल्टीप्लाई करवा देते हैं टोटल नंबर से, तो वो उसका जो है ना वैल्यू आ जाता है जो कि हमें उसका जो है ना 20% दे रहे होते हैं। ठीक है, तो ये परसेंटेज जो है ना हमारी डेली लाइफ में बहुत काम आता है और हम जो है ना इसमें बहुत जगह पे इसको हम यूज़ करते हैं। तो आइए हम सीखते हैं कि ये परसेंटेज होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले एक मैंने नोट लिख लिया है परसेंटेज से रिलेटेड। परसेंटेज से रिलेटेड ये है कि एनी फ्रैक्शन विथ 100 एज अ डिनोमिनेटर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज। ठीक है, यानी कि कोई ऐसा नंबर, कोई ऐसा फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में 100 आता है, तो हम उसको एज अ एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज। ठीक है, समझ में आ गया कि परसेंटेज किसको कहते हैं। आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आप लोगों को मज़े समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा कन्वर्ट 5% इनटू फ्रैक्शन। ठीक है, अब 5% मुझे गिवन है, इसको मुझे जो है ना फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो फ्रैक्शन में हम लोग किस तरह कन्वर्ट करेंगे, देखें 5% दिया हुआ है, तो मैंने कहा था कि अगर परसेंटेज की बात आएगी तो हम क्या करेंगे, जो नंबर गिवन है उसको हम डिवाइड करवा देंगे 100 से। ठीक है, लाइक अगर देखें ये हमने 100 से इसको डिवाइड करवा दिया। ठीक है, अब अगर मैं इसके इसको जो है ना मज़ीद इसके फ्रैक्शन निकालूं, तो वो फ्रैक्शन इसके किस तरह निकलेंगे। ठीक है, देखें इसको मुझे फ्रैक्शन फॉर्म में बनाना है, तो क्योंकि ये एक रिड्यूसेबल फ्रैक्शन है, इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो इसको आइए रिड्यूस करते हैं। 5 1 5 5 2 10। ठीक है, तो ये आ गया 1/20। ये एक फ्रैक्शन फॉर्म है। ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म क्या होता है, इसको हम मज़ीद जो है ना डिवाइड नहीं कर सकते, जो इसको हमने रिड्यूस किया 1/20 आ गया, तो ये एक इसका फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। ठीक है, क्योंकि हमने एक परसेंटेज को कन्वर्ट कर दिया इनटू फ्रैक्शन फॉर्म में। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो ये कह रहा है कि 72% इन फ्रैक्शन। ठीक है, 72% को जो है ना मुझे कन्वर्ट करना है इनटू फ्रैक्शन में। ठीक है, सेम टू सेम वही बात है, जब भी परसेंटेज की बात आती है तो हम डिवाइड करवा देंगे 100 से। ठीक है, जब 100 से डिवाइड करवाएंगे तो चेक करते हैं कि क्या आता है, 2 3 6 यहाँ पे कैरी हो जाएगा, तो 2 6 12। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 10 2 5 10 और यहाँ पे आ गया 50। ठीक है, समझ में आ गया। सेम इस तरह 2 1 2 2 8 16 और यहाँ पे आ जाएगा 2 2 4 और 2 5 10। ठीक है, इसको मज़ीद हम चेक करके देखते हैं कि मज़ीद जो है ना ये वो हो रहा है कि नहीं हो रहा, रिड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो चेक करके देखें आप लोग क्या हो रहा है इसमें। तो दोस्तों देख लिया आप लोगों ने कि ये जो है ना मज़ीद जो है ना रिड्यूस नहीं हो सकता, तो इसलिए जो इसका जो फ्रैक्शन फॉर्म है 72% का,
वो हमारे पास ये आ गया 18 डिवाइडेड बाय 25, जो कि 72% को हमने कन्वर्ट किया इनटू फ्रैक्शन फॉर्म में। उसके अलावा अगला क्वेश्चन है कन्वर्ट 7 1/2% इनटू फ्रैक्शन फॉर्म। तो ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग किस तरह सोल्व करेंगे, तो ये बहुत आसान तरीका है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 7 से, 2 7 14 प्लस 1 15, 15 डिवाइडेड बाय 2 परसेंटेज। जो क्वेश्चन असल में हमें गिवन है वो ये है 15, जो कि हमें इस फॉर्म में दिया हुआ था, ठीक है। तो अब इसका मुझे परसेंटेज निकालना है, क्योंकि परसेंटेज का मतलब वही होता है जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, 15 डिवाइडेड बाय 2, उसको हमें डिवाइड करवाना है 100 से, ठीक है। 100 से अगर मैं इसको डिवाइड करवाता हूँ तो देखें दोस्तों, जब भी हमारे पास ऐसा फॉर्म बने तो हम लोग क्या कहेंगे, 15 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1/100, ठीक है। ये वाली जो वैल्यू है ये ऊपर चली जाएगी तो 1/100 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 है, तो 1 जो है ना इसका रेसिप्रोकल होकर 1/100 हो जाएगा। अब 15 को अगर हमने मल्टीप्लाई किया, 15 1 15, और यहाँ पे आ जाएगा 200, ठीक है, ये 200 आ गया। इसको आप जो है ना डिवाइड करके चेक कर लें कि किस तरह होगा, 5 3 15 और 5 4 20, ये 4 एजेटिव आ गया, जो कि इसका फ्रैक्शन फॉर्म आ गया वो क्या आ गया, 3/15, जो कि इसका ये फ्रैक्शन फॉर्म है जो कि हमने इसमें जो है ना क्या किया है, कन्वर्ट किया है इनटू फ्रैक्शन फॉर्म में। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम लोगों ने किस तरह जो है ना कन्वर्ट किया फ्रैक्शन फॉर्म में। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि भाई फ्रैक्शन फॉर्म को हम कन्वर्ट किस तरह करेंगे इनटू परसेंटेज फॉर्म में। तो जुड़े रहिए, हमारे वीडियोस देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ताकि इस तरह की और वीडियोज़ आप तक आती जाए। थैंक यू।